गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज़ मनु शर्मा। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। सो, एक बार रिवीजन के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, है ना? कोई इवेंट हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कॉइन्स की बात कर लें, कॉइन लिया एक और उसको हमने थ्रो किया, तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आ सकता है? भाई ये कंडीशन हम मान के चलें कि हमारा जो कॉइन है वो स्टैंड नहीं करेगा, है ना? अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इक्वली लाइकली, कि जो पॉसिबल आउटकम हैं उनमें से कोई आए तो दो ही हैं। एक कॉइन के लिए हेड और टेल, इनमें से ही कोई आएगा। पर अब ये नहीं पता ना कि कौन सा आएगा, तो इस बेसिस पर जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो मेथड हैं उसके। पहला है एक्सपेरिमेंटल, जो आपने 9th में पढ़ा था, 10th में आपके पास है थ्योरेटिकल, जो आपको 10th में पढ़ना है। तो थ्योरेटिकल क्या चीज़ है और एक्सपेरिमेंटल क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना सा है कि जैसे आपने कोई कॉइन लिया और आपने उसे 5 times उछाला, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट करके मैंने देखा और ये आउटकम आ रहे हैं 5 बार में। अब इस 5 बार के लिए अगर मुझसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा, तो 9th में आपने पढ़ रखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हेड चाहिए, 1, 2, 3 हेड हैं, 3 हेड फेवरेबल हैं। टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। और यही बात अगर थ्योरेटिकल में हम बात करें, एक कॉइन है उसको उछालने पर क्या आ सकता है, तो हेड या टेल, यानी कि दो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास दो ही है, तो आउट ऑफ टू हेड कोई एक ही होगा, आउट ऑफ टू टेल कोई एक ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है सोचने में लगता है, पर डिफरेंस है नहीं। आप इसको काउंट बढ़ाते जाइए, 10 बार, 20 बार, है ना, 30 times, 100 times, 1000 times, आप देखेंगे कि आपकी ये वैल्यू क्लोजर टू 1/2 आती जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि हर बार हेड ही मिला हो आपको, पर रेयर केस है, है ना? तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में यही डिफरेंस है। बाकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्लास 9 से आपको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यही काम हमें क्लास 10th में भी करना है। कुछ केसेस हैं जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, वो केसेस क्या हैं? कॉइन्स का केस है, डाई का केस है और प्लेइंग कार्ड। और भी हैं पर ये कुछ कॉमन केसेस हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। 1/1 हम लेकर चलेंगे कि क्या केसेस यहाँ बनते हैं। जैसे जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो लाई करती है इन बिटवीन 0 to 1, यानी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 आती है हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, 1 आती है तो श्योर इवेंट, ये भी आपको पता है, है ना? हो सकता है हर बार हेड आया हो यहाँ पर, और ना भी आया हो, हेड ही नहीं आया, हर बार टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 से 1 तक, ठीक है? कॉइन्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं? सिंगल कॉइन का, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन,
इसके और पूछता है कभी कभी 4 कॉइन के भी, पर रेयरली पूछता है 10th में। तो भाई एक कॉइन उछाले तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। 2 कॉइन उछाला, हेड के साथ हेड हो सकता है, हेड के साथ टेल हो सकता है, टेल के साथ हेड हो सकता है, और टेल के साथ टेल हो सकता है। जब आप इसे लिखते हैं, यानी कि पॉसिबल आउटकम आप उसमें लिखते हैं अपनी कॉपी में, जिसको आगे चल के आप सैम्पल स्पेस का नाम देते हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि लॉन्ग है तो हम बहुत सारा लिख चुके हैं कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर टोटल 2 ही आउटकम है, यहाँ पर टोटल 4 आउटकम है, अब 3 कॉइन होगा तो टोटल कितने आउटकम होंगे पहले तो यही पता हो जाए, फिर कौन कौन से होंगे वो पता होगा। इसके लिए क्या है कि 2 की पावर n, हमेशा कॉइन के लिए समझ के चलिए कि 2 की पावर n, ठीक है ना। n इज़ अ नंबर ऑफ कॉइन, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स वो कॉइन जब थ्रो किया जा रहा है। तो 1 कॉइन है 2 की पावर 1, यानी 2 पॉसिबल कंडीशंस, 2 कॉइन है 2 की पावर 2, यानी 4 पॉसिबल आउटकम्स, 3 कॉइन है 2 की पावर 3, यानी 8 पॉसिबल आउटकम। अब वो 8 पॉसिबल आउटकम कैसे लिखा जाए, आसान है ना। तो यहाँ पर स्पेस क्यों में यहाँ दिखाते हैं, 3 कॉइन्स के लिए हमने कहा 2 की पावर 3, यानी 8 आउटकम्स बनेंगे। 8 का हाफ करिएगा 4 आएगा, 4 टाइम्स s लिखिए, 4 टाइम टेल लिखिए, करेक्ट। फिर उसका हाफ करिए, 4 का हाफ 2, 2 टाइम्स h, 2 टाइम्स टेल, देन 2 टाइम्स h, 2 टाइम्स टेल, इसका हाफ 1, 1 टाइम्स हेड, देन टेल, देन हेड, देन टेल, देन हेड, देन टेल, देन हेड, देन टेल, ये आपके 8 आउटकम आप बन गए। यहाँ पर आप रिपीट नहीं करेंगे कि सेम वैल्यू रिपीट हो गई, सेम कंडीशन रिपीट हो गई, और एग्जैक्टली आप बना सकते हैं। बस इसको लिखना आपको कैसे है, ब्रैकेट h, एच एच टी, है ना, यहाँ से देखते जाइए, HTH, करेक्ट, HTT, THH, THT, TST हो गया, TTH और TTT, देख लीजिए पूरा लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके कंप्लीट हो गया। तो ये आउटकम लिखने के तरीके हैं, तो कितने भी कॉइन्स के लिए पूछ सकता है। जैसे ये 3 कंडीशन में, यानी 3 कॉइन की कंडीशन में आपसे एक इवेंट इस तरह से वो पूछ सकता है, लाइक फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। टोटल आउटकम आपके पास 8 हैं, आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 हेड कहाँ कहाँ हैं, 1 2 3, और नहीं है, तो टोटल 3, तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, है ना, तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब 2 से ज़्यादा कहाँ है, एक और आएगा, क्या हो गया, 4/8, पहला वाला आ गया ना ये वाली कंडीशन, तो 4/8, 4/8 दैट इज 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस वो पूछते हैं। अब इस मल्टीपल क्वेश्चन के आधार पर क्या क्या बातें हमको जाननी हैं वो समझिए। एक वर्ड याद रखना है, एट लीस्ट, दूसरा एट मोस्ट, और एग्जैक्टली, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम उतना हो, ज़्यादा होगा तो चलेगा, मोर हो जाएगा तब भी चलेगा, है ना। एटमोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो, जो भी कंडीशन आपको दे रहा है 1 2 3 के लिए, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होना चाहिए, कम होगा तब भी चलेगा। एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्ट उतनी हो, एग्जैक्टली और ये 2 हेड्स सेम है, अगर बोलता है एग्जैक्टली 2 हेड्स या सिंपली 2 हेड्स तो वो सेम आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं NCERT में और आपकी आरडी शर्मा में, हम लोग वन बाई वन सॉल्व करेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो कॉइन्स को लेकर था, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइस का। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।